नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। विश्व स्तर पर सप्ताह के अंतर्गत महिला अस्पताल में रोटरी क्लब आजमगढ़ द्वारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्लब द्वारा जच्चा एवं बच्चा के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक उपयोगी वस्तुओं का वितरण जैसे गुड़, चना, इलेक्ट्रॉल पाउडर, प्रोटीन पाउडर, डायपर पैड, सिलेक्टिव पैड, फल इत्यादि एवं साथ ही साथ ये भी बताया गया कि दूध पीना पिलाना बच्चों को क्यों आवश्यक है, क्यों हितकारी है। अंत में एक गोष्ठी के आयोजन में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला अस्पताल के CMS डॉक्टर विनय सिंह यादव ने बच्चों को स्तनपान कराने की महत्वता पर विस्तार से बताया एवं सभी माता नानी से आग्रह किया कि अपने बहुओं एवं बेटियों को अच्छा से अच्छा पोषण इस दौरान करावें, जिससे कि बच्चे मां के दूध से लाभान्वित हो सके। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन अमरनाथ अग्रवाल, सचिव श्रेय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष चंद्र अग्रवाल, सुंदरम अग्रवाल, आनंद बर्नवाल एवं रवि शंकर प्रजापति उपस्थित रहे एवं साथ ही साथ इनर व्हील क्लब अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अमित लता सिंह एवं क्लब कोषाध्यक्ष मंजू अग्रवाल ने भी अपनी सहभागिता प्रदान की। क्लब सचिव रोटेरियन श्रेय अग्रवाल ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया एवं हॉस्पिटल के स्टाफ नर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। महिला चिकित्सालय में आए हैं, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है जो स्तनपान दिवस उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये है कि आजकल की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाने से कतराती हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि वो उनका हक है, उनको ज़रूर मिले, क्योंकि उनके दूध में जो पौष्टिकता है वो बाहरी दूध में नहीं है। और वो अपना दूध अगर बच्चों को पिलाएंगे तो बच्चे संक्रमण से बचेंगे और उन्हें कोई बाह्य रोग नहीं होगा। तो इसलिए हम माताओं से आज अनुरोध करेंगे कि वो जो है अपने बच्चों का दूध अपने बच्चों को अपना ही दूध पर रखें, उन्हें बाहरी गाय का दूध या बकरी का दूध ना पिलाएं। अपना दूध पिलाएंगी तो बच्चे जितने उनके स्वस्थ हेल्दी होंगे उतना अन्य दूध पर नहीं होंगे। तो इसलिए आज हम लोग मुख्यतः इसी विषय को लेकर के महिला चिकित्सालय में और मुझे स्वच्छता पर भी कार्य करना है, तो उसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोगों ने महिला चिकित्सालय में बहुत सारी महिलाओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किया है। उन्हें हम लोगों ने बताया है कि आप लोग कपड़ा ना इस्तेमाल करिए, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करिए, क्योंकि उससे जो है बहुत सारे रोग होते हैं। तो बस यही का मुख्य कारण था जिसको लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। और सर्विकल कैंसर के बारे में भी थोड़ा हम लोगों ने अवेयरनेस कराया है कि भाई सर्विकल कैंसर से भी आपके बच्चे यूट्रस का ही कैंसर होता है, तो आप लोग इसके लिए वैक्सीनेशन करवाइए 9 साल से 14 साल की बच्चियों को अपने, क्योंकि उन बच्चियों को अगर अभी से वैक्सीनेशन हो जाएगा तो उससे इसके बाद अगर टाइम लेट करके लगाया जाएगा तो वैक्सीन की डोज बढ़ जाएगी। तो यही सब कुछ कारण थे जिनकी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। रोटरी क्लब और सबको पता है सरकार ने एक कार्यक्रम लिया है कि 1 से 7 तक स्तनपान सप्ताह मनाएंगे और इसमें प्रमोट करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि माँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे को अपना दूध दे। इसके तहत हमारे साथ आज के कार्यक्रम में इस शहर के मानिंद लोग आए हैं जो रोटरी क्लब के मेंबर हैं, अधिकारी हैं, और रोटरी इनर व्हील से भी हमारे यहाँ माताएँ बहनें आई हुई हैं। हम सबका इस हॉस्पिटल में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम में इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इन लोगों ने हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि हमारे मरीजों को कुछ खाने की चीज़ें, नैपकिन और फल का वितरण भी किया और उस पर जो भी प्रोटीन और आयरन की चीज़ होती है गुड़ दिया, चना दिया। इस स्नेह के लिए आपका विशेष आभार। अभी हम लोग नीचे चलेंगे, छोटी सी गोष्ठी करेंगे। आप लोगों से मेरा ये निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि इस अभियान को, जो किसी व्यक्ति का, किसी हॉस्पिटल का, किसी डॉक्टर का अभियान नहीं है, इस देश में आने वाले होने वाले नए नागरिक के स्मिता का, उसके मजबूती का, उसके मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट का मसला है। तो हम सबको लग रहा है ये एक यज्ञ के तरह है, जितना जिसका बहुत सारे योगदान सबको कर रहा है। आप लोगों का बहुत इरादा हम लोग, बीच में कुछ किसी कारणों से यह हुआ कि स्तनपान कराने में थोड़ा सा किसी न किसी कारण से होने लगा। दो चीज़ें हुई, एक तो बच्चे में डिजीज ज़्यादा बढ़ गए, दूसरा माँ के स्तन में बीमारियाँ बढ़ गई।
और स्तन का होने वाला कैंसर उसका एक बड़ा कारण है। ठीक, स्तनपान न कराने से यूटरस का संकुचन भी, बच्चेदारी का संकुचन भी देर होता है, वो भी कारण है कि बच्चेदारी में भी होता है। लेकिन कि साफ सफाई न रखा जाए और टाइम से दूध बच्चे को न पिलाया जाए, उनका इस तक करता है। तो सारी चीज़ों को बताते हुए आज ये अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अंतर आया, जो बताए नहीं पिलाते थे, खासकर जो हमारे घर के गार्जियन हैं, सासू हैं, नानी हैं, पड़ोसी हैं, बुआ हैं, उनसे अगर आप ही है तो वो थोड़ा सा बच्चा रोता है तो बकरी का दूध, डिब्बे का दूध ना पिलाएं, माँ का दूध जितना पिलाएंगे माँ का दूध। एक से सात तक जो है साप्ताहिक है ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। आज हम लोग जो है यहाँ महिला चिकित्सालय पे आए हुए हैं, हमारे साथ नर्सा भी है। यहाँ पे हम लोगों ने मरीजों को जो है पौष्टिक आहार वितरित किया, डाइपर भी दिया लेडीज और बच्चों के लिए भी। आप लोग इसका यूज़ करें, इससे जो संक्रमण नहीं होगा और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। माँ अगर अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उसमें वो संस्कार भी आते हैं जो उसके परिवार में रहते हैं। अगर हम बाहर का दूध पिलाएंगे तो उसके अंदर वो संस्कार डेवलपमेंट नहीं करेगा जो आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बड़ा परेशान होते हैं कि ये मेरा लड़का क्या बात है, हमारे घर का संस्कार नहीं सीखा। तो उसका मेन कारण है कि हमने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।